सामने ये चैलेंजेस, ये चुनौतियाँ जो है उसको सामना करने के लिए ये ज़रूरी है कि संक्षिप्त में मैं आज आपके सामने हिंदी में ही बोलूँगा। सबसे पहली बात यह है कि मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी देश के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से आप सबको हमारी क्रांतिकारी लाल सलाम की, आज इस आतंक के समय में भी इतने बड़े तादाद में आप इस मैदान में आए हैं, ये हमारे लिए आप सबको हमारी लाल सलाम। पिछले जब से ये भाजपा आई 22 हमारे कॉमरेडों की हत्या हुई है। पिछले हमारे पार्टी की कॉन्फ्रेंस के समय से लेकर आज तक 17 हमारे कॉमरेडों की हत्या हुई, अपने ऑफिसर्स को जला दिया, ऑफिसर्स को नष्ट किया, कॉमरेडों के घरों के ऊपर हमला किया, धमकियां दी, चुनाव लड़ने से, नॉमिनेशन फाइल करने से भी रोककर, वो धमकी देकर उनको जो है बिठा कर कहते हैं कि वो जीत गए भाजपा। ये सब आतंक और हमला होने के बावजूद वो समझते थे कि अब फिर लाल झंडा फिर वापस नहीं आएगा त्रिपुरा में और लोग कोई वामपंथियों के साथ नहीं रहेंगे। वो भूल जाते हैं, ये लाल झंडा इसलिए लाल है क्योंकि हर इंसान के अंदर जो खून बहता है, हर हमारे शहीद जो होता है उसका खून जो बहाया उन लोगों ने, हमारे दुश्मन, उन सब लोगों के खून का रंग लाल होता है। तो इस लाल झंडे को कोई नहीं मिटा सकता जब तक इंसान के अंदर लाल खून बहता है। याद रखिए, हम वो है कम्युनिस्ट, हम वो है कम्युनिस्ट जो मौत से डरते नहीं, क्योंकि हम मरकर भी मरते नहीं, हम जिंदा रहेंगे और हमारे दुश्मनों को लड़कर उनको जो है हम हराएंगे। और यह है त्रिपुरा की परंपरा। कहा जाता था एक छोटा सा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक प्रदेश है, उसके अंदर क्या कर सकती है वामपंथी और ये लाल झंडे। लेकिन हमारे त्रिपुरा के अंदर जो वामपंथी सरकारें रही, पहले कॉमरेड नृपेन चक्रवर्ती, उसके बाद कॉमरेड दशरथ देव, उसके बाद कॉमरेड माणिक सरकार, इन सरकारों की उपलब्धियां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही आप देखोगे, सबसे पिछड़े हुए निरक्षर प्रांत के अंदर अगर कोई एक ऐसा प्रदेश है आज अपने भारत के अंदर जो केरला को टकराव देता है कि सबसे ज्यादा शिक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़ाई, सबसे ज्यादा लोग जो स्कूल जाते हैं बच्चे, वो बराबर की अगर केरला की कोई और प्रदेश है अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, वो सिर्फ त्रिपुरा है। और ये आपके वामपंथी सरकारों की उपलब्धि है। ना सिर्फ ये भूमि सुधार, अरे राष्ट्रीय आंदोलन के समय से त्रिपुरा की परंपरा रही है कि देश की आजादी के लिए त्रिपुरा को भी जोड़ते हुए, त्रिपुरा को भी जोड़ते हुए अपने हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए उस समय जब देश के अंदर बंटवारा हो रहा था, त्रिपुरा को भारत के साथ रखने के अंदर ये वामपंथी आंदोलन और यहाँ पर उपजाति लोगों के नेतृत्व देते हुए वो आंदोलन, इसका बहुत बड़ा भूमिका रहा। एक क्रांतिकारी विरासत है त्रिपुरा के लोगों की, आप जो है उसके वारिस हो। अब ये क्रांतिकारी इतिहास को अगर आज बरकरार रखना है तो ये चैलेंज देना होगा आपके सरकार को और भाजपा को, अगर आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराओगे बिना हिंसा के और जनतांत्रिक तरीकों से, आइए आप रखिए अपनी बात जनता के सामने, हम रखेंगे अपनी बात और जनता को चुनने दीजिए कौन वो चाहते हैं कौन नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हिंसा सब खत्म करके सीधा आप जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़िएगा तो ये निश्चित है कि भाजपा हारेगी, वामपंथी जीतेगी और फिर से वामपंथी सरकार जो है यहाँ पर बन पाएगी। अगर वो माहौल लाना है तो आज इस हिंसा के खिलाफ लड़ना है, वो माहौल लाना है, हम लड़ेंगे इनको जनतांत्रिक तरीके से, हम लड़ेंगे हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, हम लड़ेंगे हमारे संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार को बरकरार रखने के लिए। और इनका पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है, इनका पूरा का पूरा उद्देश्य उसी संविधान को ध्वस्त करें, उसी संवैधानिक अधिकारों को खत्म करें
और लोगों के सामने हिंसा, नफरत और उसके आधार पर डराकर लोगों को अपनी समर्थन में हासिल करने की कोशिश करे। इसके बावजूद आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है बाकी प्रांतों में जहां पे चुनाव हो रही है। इससे पहले चुनाव हुए थे आपके तमिलनाडु में, आपके केरला में, आपके बंगाल में और सब जगह बीजेपी को हारना पड़ा। और इस बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर संकेत यही मिल रहा है। प्रधानमंत्री बहुत यात्रा कर रहे हैं, बहुत सरकारी पैसे से सरकारी प्लेन लेकर, सरकारी गाड़ियां लेकर अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो चुनाव प्रचार का क्या है मुख्य उद्देश्य? आज देश के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, हमारे देश के अंदर नौजवान जो हमारा देश का भविष्य है, इस नौजवान को अगर हम आज नौकरी देते हैं और देने के लिए देश के अंदर साधनों की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, वो जो है निवेश करे, जो सड़कें चाहिए हमें, जो हमारे लिए सिंचाई के जो सुविधा चाहिए, जो सब सुविधा चाहिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको बनाए, करोड़ों हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। और वो नौजवान जब अपना तनख्वाह जो है खर्च करने लगेगा, ये बंद पड़े कारखाने सब खुलने लगेंगे, आर्थिक विकास भी होगा, लोगों की तरक्की भी होगी और लोगों की जान बचा सकते हैं हम। लेकिन आज वो काम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? देश की जो जितने भी साधन है उसकी लूट मची हुई है, सब दे देते हैं। जो नगर आज निश्चित कर चुकी है कि आज त्रिपुरा के अंदर ये हिंसा और नफरत की वातावरण नहीं चलेगी, आज फिर से जनतांत्रिक आधार पर संवैधानिक व्यवस्था को पुनर्कायम करेंगे और उसके लिए भाजपा को हटाएंगे और वामपंथी सरकार को ले आएंगे। ये जो विश्वास जो आज इस रैली में जो नजर आ रही है, ये प्रेरणा है पूरे हिंदुस्तान के लिए। आज सब जगह लोग लड़ रहे हैं, हर चुनाव के अंदर आज लोग लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, और जो बर्बादी जो की जा रही है हमारी अर्थव्यवस्था की, लोगों की जिंदगियों के साथ, और आज तक खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर 50,000 रुपये हर परिवार को देने की बात के लिए सरकार को मानना पड़ा, जो पहले नहीं मानती थी, जहां उस परिवार के अंदर कोई इस कोरोना कोविड महामारी से कोई एक उस परिवार के अंदर जो जिनकी जान चली गई उन लोगों को 50,000 रुपये मिलेंगे। आज क्या कर रही है सरकार? कितने लोग मरे हैं अपने देश के अंदर उसको सही ढंग से नहीं दिखा रही है ताकि ये पैसे बचाने के लिए। ये है सरकार की इंसानियत। कितने मरे हैं उसका सही आंकड़ा आज तक ये सरकार देती नहीं। आंकड़ा देती है कुछ 5-6 हज़ार की और बांटती है 50,000 की। जैसे उनकी सरकार गुजरात में है, वो तकरीबन 5,000 से ज़्यादा, 5,000 की असली आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन 80,000 के करीब वो जो है ये कॉम्पनसेशन बांटती। तो इस तरीके की सरकार जो देश की संपत्ति और लोगों को राहत देने की जगह वो अपने सरमायादारों को, अपने पूंजीपतियों को देश को लूटने के लिए सुविधा दे रही है। विदेश में पूरी की पूरी अमेरिकन साम्राज्यवाद के दुमछल्लू बनकर, एक कठपुतली बनकर विदेशी राजनीति कर रही है। आज पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो गया, यूक्रेन में। वहाँ पर असलियत के आधार पर चलने की जगह फिर दबाव में, अमेरिका के दबाव में, यानी सरकार एक तरह से अमेरिका की दबाव और प्रधानमंत्री खूब बड़े मतलब वो एक किस्म से वो बातें भी तो उन्हीं के अंदाज में कहते हैं। भारत के अंदर गोडसे की जय और विदेश जाते हैं तो गांधी जी की जय। तो विदेश में गांधी जी, भारत के अंदर गोडसे जी, और ये है उनकी असली राजनीति। असली राजनीति ये है और इसके चलते हुए अपनी देश की संवैधानिक व्यवस्था, देश की एकता अखंडता, देश की लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारी अपील आप सबसे यही है कि त्रिपुरा में ये 2 दिन में जो भी निर्णय लेंगे, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, उसको आप सभी लोग स्वीकार करते हुए आने वाले दिनों में
जनता की एकता के ताकत के आधार पर, जनतांत्रिक तरीकों के आधार पर आज ये कुशासन जो चल रहा है भाजपा की सरकार की, इसकी हिंसा, इसकी नफरत को हराते हुए आज जो है फिर एक कानूनी व्यवस्था, हमारी संवैधानिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण करेंगे और उसके अंदर इस वामपंथी ताकतों को और इस लाल झंडे को और मजबूत करेंगे, जो त्रिपुरा के लोगों की विरासत है उस विरासत को और आगे ले जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद रखते हुए और इस रैली से ये विश्वास पाते हुए कि ये संभव है और होने वाला है, ज़रूर होने वाला है, इस विश्वास लेकर मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। आज नफरत भरा हुआ भाषण जो है कई सारे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारे अल्पमत के समुदाय के खिलाफ, हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के खिलाफ, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं लेती है इलेक्शन कमीशन। आपके कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट पे तीन तीन साल से पड़ा हुआ है कि वो 370 धारा खत्म करके जो जम्मू एंड कश्मीर को ध्वस्त कर दिया था उस राज्य को क्यों किया, क्योंकि एकमात्र मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है पूरे देश के अंदर, तो उसको जो है आप जो है उसको खत्म करो, वो उद्देश्य है। और ये केस पड़े हुए हैं नागरिकता की कानून के ऊपर, या वो जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं आज जो एक राजनीतिक भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दे रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के चलते हुए, लाखों करोड़ों रुपए भाजपा ने इकट्ठा कर दिया जो खर्च करते हैं यहाँ पर आपके चुनाव के समय पर, ये सब केस आज पड़े हैं कचहरी पे, सुनवाई शुरू नहीं हुई। पार्लियामेंट को ही ठीक ढंग से चलने नहीं देते, अपनी बहुमत के हिसाब से कानून बना देते हैं, यानी संविधान और संविधान के संस से इन संस्थाओं को खत्म करने का पूरा कोशिश। तो आज ये समय आ गया इस सवाल को लेकर, आज हमें भारत को बचाना है तो ये मोदी सरकार को दिल्ली के गद्दी से उतारना होगा, वरना हमारी भारत और इस संविधान को हम नहीं बचा पाएंगे। आज त्रिपुरा को बचाना है आपको, त्रिपुरा को बचाना है, और त्रिपुरा के अंदर जो भी आपने उपलब्धियां आपकी रही है वामपंथी सरकार के चलते हुए, उन उपलब्धियों की रक्षा करनी है आज, तो आज भाजपा की सरकार को त्रिपुरा से हटाकर फिर से वामपंथी सरकार ले आने के अलावा और कोई चारा नहीं है त्रिपुरा के लोगों के सामने, और उसके लिए आज प्रतिबंध है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए आज जो यहाँ पे जो हो रही है हमारी राष्ट्रीय सम्मेलन, जो दो दिन का सम्मेलन कल सुबह से जो शुरू होनी है, कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में ठोस रूप से किस तरीके से आज त्रिपुरा के अंदर ये जो चैलेंज है हमारे सामने, कि जो कभी सुना नहीं त्रिपुरा में, उपजाति और आपके मेजॉरिटी आपके बाकी लोगों के बीच में जो एकता जो वामपंथियों ने जो बना रखा, जो सुरक्षा जो हमारे अल्पसंख्यकों के लिए है और खास तौर से अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए है, वो सुरक्षा की आलात आज उस सब को ध्वस्त किया जा रहा है। अरे आज भी बांग्लादेश में अगर आप चले जाएंगे, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए अगर किसी का नाम वो लेते हैं, और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना वो खुद आई थी यहाँ पे आपके अगरतला में, क्यों ये आपको आप सबको धन्यवाद बोलने के लिए कि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए किस तरीके की समर्थन त्रिपुरा के लोगों के और त्रिपुरा की सरकार उस समय की वामपंथी सरकार से मिला, आगे मिली थी गवर्नमेंट मानिक सरकार के साथ, जो मुख्यमंत्री के साथ, यानी वो मुसलमान हिंदू की दायरा कभी इस लाल झंडे उस तरीके से बंटवारा कभी नहीं करती। हम हैं तो हम इंसान हैं, इंसानियत का एक ही कायदा होता है इंसान का, वो है इंसानियत, और वो इंसानियत जो भी आपकी मजहब हो, इंसानियत के आधार पर सरकार को और प्रशासन को चलना और उस तरीके की वातावरण लाना है आज, तो आपको आज फिर से जुटकर इतनी बड़ी तादाद में जो आप आए हैं, ये अपने आप में संकेत है। अभी कॉमरेड जितेंद्र चौधरी हमें बता रहे थे कि कई हजारों की तादाद में साथी जो आना चाह रहे थे इस रैली के,
वो अभी भी आने नहीं दिया जा रहा है उनको, रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंडों में, बसों में, और बसें जो किराए पे भी लिए थे उन सबको जो है कैंसिल किया जा रहा है। ये सब होने के बावजूद, डराने के बावजूद, धमकी देने के बावजूद, हिंसा के बावजूद, इस तादाद में जो आप यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। लोगों की एकता को तोड़कर वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भारत और भारत के संविधान को ही वो ध्वस्त करने जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं। और सब जो मुख्य दोस्त, जो बड़े 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 हमारे देश के पूंजीपति हैं, सब चीज हमारे देश के अंदर उनके हाथों में जाता है। सब एयरपोर्ट क्या उनके एक दोस्त के हाथ में, सब हमारे पोर्ट यानी जो बंदरगाह पानी के साथ जुड़े हुए पोर्ट है वो सब उन्हीं के हाथ में जाता है। देश के अंदर पूरा टेलीकॉम, अपना मोबाइल फोन, उसका पूरा का पूरा कब्जा एक करना चाहता है। पेट्रोल के ऊपर, तेल के ऊपर कब्जा वो दूसरा करना चाहता है। यानी पूरी देश की संपत्ति के ऊपर आज लूट मची हुई है, और ये लूट जो है वो बेचा जा रहा है आज हमारे बड़े पूंजीपतियों को, जो हमारी संपत्ति है। आज जो निजीकरण हो रही है हर संस्था के देश के अंदर, लाखों के तादाद में हमारे देश के अंदर मुलाजिम और हमारे देश के अंदर मजदूरों की नौकरी की छटनी हो रही है पब्लिक सेक्टर के अंदर। और ये पब्लिक सेक्टर आज मोदी साहब को और भाजपा को ये बताना पड़ेगा बड़ी जोर से, भाई देश का पब्लिक सेक्टर, देश की आर्थिक संपत्ति का मालिक देश का जनता है। सरकार जो आता है, प्रधानमंत्री जो आते हैं और जो जाते हैं, वो प्रधानमंत्री और वो सरकार सिर्फ मैनेजर है इस संपत्ति के, मालिक नहीं है। अगर कोई मैनेजर बिना मालिक के अनुमति के संपत्ति बेचना चाहता है, तो जो आज जो लोग हैं, जिसके जो मालिक है इस संपत्ति के, वो लोग इस मैनेजर को बदलकर नया मैनेजर ले आएंगे। और ये बदलाव करना जो है आज जरूरी है त्रिपुरा के अंदर और भारत के अंदर। तो लोगों की समस्याओं के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री इस चुनाव प्रचार में, सिर्फ जो बोलते हैं वो बोलते हैं नफरत पैदा करने। कहीं पर हो गया हिजाब, कहीं पर हो गया 80% और 20% हिंदू मुसलमान के बीच में, और हिंदू मुसलमान के बीच में ये ध्रुवीकरण करते हुए, ये नफरत फैलाते हुए कभी हो जाता शमशान घाट और कब्रिस्तान, और कभी हो जाता है सब भाजपा के राज्यों के अंदर ये कानून बना दिए गोरक्षा के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर, किसी न किसी बहाने से बंटवारा करो, फूट डालो लोगों के बीच में। ये फूट ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में ही नहीं, आज ये फूट हर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। हमारे दलित भाइयों के ऊपर देखो, भाई और बहनों के ऊपर देखो अत्याचार, जिस तरीके से घोर अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा, दलित हमारी बहन के साथ जो 20 साल की भी नहीं थी उसके साथ बलात्कार करके उसका खून कर देना, हर बार उस तरीके से अत्याचार जो है हमारे दलितों के ऊपर होती, हमारे मुसलमान भाई बहनों को उनको किस तरीके से उनके ऊपर इस नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, जिसके चलते हुए कि भारत के नागरिक है या नहीं है उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और इसका नेतृत्व कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री। आज हमारे देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर, उपजातियों के ऊपर लड़ लड़के इस लाल झंडे ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी आपके जंगलों में रहने की अधिकार उपजातियों की, उसके लिए कानून बनवाया। ये गर्व की बात है इस लाल झंडे की कि सबसे ज्यादा पट्टा जो दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पट्टा इसका कानून के चलते हुए दिया गया है, वो दिया गया है आपके त्रिपुरा में वामपंथी सरकार के चलते हुए, और आज वो अधिकारों को ध्वस्त करने पे लगे हैं। हजारों एकड़ हमारे जंगलों को आज जो है बेच रहे हैं विदेशी पूंजी के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए, ताकि वहां पर वो कोयले का और बाकी चीजों का खदान करे, ये करे, माइनिंग करे। इसके चलते हुए लाखों की तादाद पर हमारे उपजाति और आदिवासियों को अपना घर छोड़कर वो जो है
भटकना पड़ रहा है, यानी दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, इन सब पे जो अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, इनके बारे में क्या है प्रधानमंत्री जी और ये केंद्र सरकार के सुझाव, किस तरीके से समस्याओं का हल करेंगे, उसके ऊपर एक भी बात नहीं। पूरी की पूरी बात होती है कि एक ध्रुवीकरण पैदा करो, एक ध्रुवीकरण पैदा करो, ताकि एक सांप्रदायिक वोट बैंक का जो है उसको जो है मजबूत करें। सबसे गंदा आज कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है देश के अंदर, वो है भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री। और ये वोट सबको किस तरह आगे ले जा सकता है, और इस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते के समय हम अपने विकल्प को भी पेश करेंगे। आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई वामपंथ आज बचा नहीं है, लेकिन केरल में वामपंथ की सरकार है। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, और उस सरकार ने करके दिखाया है। अभी जो कोविड महामारी के समय में सिर्फ केरला एक ऐसे राज्य था जहां के पूरी जनता के लिए सरकारी अस्पतालों में, सरकारी चिकित्सा केंद्रों में मुफ्त में चिकित्सा दी गई, किसी को भी एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा अस्पतालों में, क्योंकि वहां ऐसे चिकित्सा की व्यवस्था है कि सबको फ्री ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये हमारी वैकल्पिक नीतियां हैं। तो उसी तरह त्रिपुरा में यहां जो उपजाति है, गैर उपजाति है, जिन्होंने दशकों तक हमारे वामपंथ के नेतृत्व में यहां मिलके काम किया और आपसी भाईचारा के साथ त्रिपुरा में विकास का काम किया, वही ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, उपजाति और गैर उपजाति जनता उनकी मेहनत कर जनता की एकता को कायम रखेंगे। वामपंथ ही ये काम कर सकता है और त्रिपुरा को आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए मैं आज आप जो बड़े पैमाने पर यहाँ आए हैं, जितने भी चार वर्षों में आपने दमन सहा है, जितने भी हमारे साथियों पर हमला हुआ है, हमारे दफ्तरों पर हमला हुआ है, हमारे साथियों का खून किया गया है, इस सब के बावजूद यहाँ के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ जिंदा है, जिंदा रहेंगे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे। यही संदेश लेके हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। विकास के लिए जो पहले वर्षों के लिए वाम फ्रंट की सरकार ने यहाँ जो विकास का काम किया था, जनता के लिए कल्याणकारी काम किया था, शिक्षा और चिकित्सा, वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज जगह जगह पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में हम देखते हैं कि तमाम अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है उसको खत्म किया गया है। और ये आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए, उसी की ओर वो बढ़ रहे हैं। ये मोदी सरकार अपने आप को एक राष्ट्रवादी सरकार बताती है, लेकिन असलियत में ये सरकार हमारे देश के सबसे बड़े जो पूंजीपति है, हमारे देश के अंबानी और अदानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स है, उन्हीं के हित में काम करते हैं। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हमला होने वाला है हमारे देश के मेहनत कर जनता की जीविका पर। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है,
उस पर कोई रोक लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और इस पांच राज्यों में चुनाव होने के बाद आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल का दाम और 3-4 गुना बढ़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल का दाम है वो एक बैरल के लिए $100 तक पहुंच गया है। सिर्फ चुनाव के कारण अभी यहां वो दाम बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन चुनाव होते ही मार्च के अंत तक आप देखेंगे कि अभी जो पेट्रोल का दाम 100 रुपये पर लीटर तक गया था वो 150 रुपये तक जाने वाला है। और यही सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोई रोजगार पैदा नहीं होता है। और कोविड की महामारी के बाद जो आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी है जनता के, उसमें सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों का रोजगार नष्ट हुआ है। तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियां की नेतृत्व कर सकती है। आपने देखा होगा पिछले वर्ष में जिस तरह किसानों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई की, लाखों किसानों ने दिल्ली को घेर दिया था, एक साल से ज्यादा समय ये संघर्ष चली और उसका नतीजा था कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा। सबके बावजूद यहाँ के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ जिंदा है, जिंदा रहेंगे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आपने गमन सहा है, जितने भी हमारे साथियों पर हमला हुआ है हमारी तरह आगे नहीं जा सकता है। और इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते के समय हम अपने विकल्प को भी पेश करेंगे। पूरी तरह कोशिश करती आई है और अभी तक आपने देखना है इस पिछले और गैर उपजाति जनता उनके मेहनत कर जनता की एकता को Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.